74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बड़े धूमधाम से सुपौल के गांधी मैदान में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा पूरे जिले को सूचित किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी गांधी मैदान में ना आए और झंडा तोलन टीवी पर ही लाइव देखें ताकि बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलावासी सुरक्षित रहे एवं कोरोना से बचे। वहीं केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया साथ साथ पुलिसकर्मी जिलाधिकारी के साथ किया गया झंडा तोलन और जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे और अपने घरों में रहकर टीवी पर आनंद लें, झंडा तोलन का उत्सव एवं आनंद लें। साथ ही जिस तरह से कोरोना संक्रमण चल रहा है, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी सभी को सुरक्षित रहने की सलाह देखते जा रहे हैं। वहीं झंडा तोलन के समय जिलाधिकारी द्वारा झंडा तोलन किया गया। कोविड 19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। खुशी की बात है कि मुझ न्यूज अब नेपाल भी आ पहुंचा है और नेपाल की खबरों को भी प्राथमिकता से देखा, और ये बड़ा क्रांतिकारी प्रयोग है। जिस तरीके से मुझ न्यूज ने बिहार में दर्शकों का, अपने पाठकों का दिल जीता है, हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि ये भी नेपाल के भी लोग जो होंगे वो हर पल की खबर से रूबरू होंगे, अवगत होंगे इस मुझ न्यूज के जरिए, और यहाँ के लोगों का भी दिल ये मुझ न्यूज जीतेगा। ये स्टार्टअप है, अपने आप में एक नया प्रयोग है और ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल होगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है, यकीन है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।